line is, it's nice to know that Asia Cup is happening. अच्छा, पाकिस्तान की टीम को टीम के बारे में बताइए थोड़ा सा, क्या लग रहा है? क्योंकि अमूमन तौर पर जब हम वर्ल्ड T20 तक की बात कर रहे थे, फकर उस समय पर नहीं आ पाए टीम में, इंजरी का इशू था और पूरा वर्ल्ड कप ही फिर वो नहीं खेल पाए, वर्ल्ड T20 की जो बात है। लेकिन उसके अलावा अब आप अगर देखो, यहाँ पे इमाम का नाम थोड़ा सा और ऐड हो जाता है, बाबर है ही, रिजवान है ही, इन चार पर मैं अभी अपना फोकस रख रहा हूँ। बाकी बॉलिंग तो आपकी है ही बढ़िया। क्या कैसे देख रहे हो आप अपनी टीम में, क्योंकि अब बहुत वक्त तो रह नहीं गया, 3 से 4 महीने का वक्त है। ऐसा भी सुनने में आ रहा है पाकिस्तान कुछ सीरीज लाइनअप कर सकता है, हालांकि श्रीलंका वाली जो सीरीज थी उसको शायद खारिज कर दिया गया, ये भी मीडिया की तरफ से रिपोर्ट किया गया। कैसे देख रहे हो आप पाकिस्तान की तैयारियों को, और स्पेशली अगर मैं बाबर आजम के बारे में जानना चाहूं, क्योंकि बाबर आजम बढ़िया बल्लेबाज है या बाबर आजम बढ़िया से भी थोड़ा और ऊपर है, इन सारी की सारी चीजों को लेकर के एक वो जायंट लीप ले लेंगे अगर उनकी कप्तानी में, अगर उनके बल्ले से रन आते हैं और उनकी कप्तानी में पाकिस्तान विश्व कप जीतता है, और इंडिया में जीतेगा तो उससे अलग तो कोई बात हो ही नहीं सकती। लेकिन बाबर आजम का वो जो जायंट लीप होगा कि फ्रॉम गुड टू ग्रेट, वो शायद बड़ी मदद करेगा उनकी इस चीज में। तो आप कैसे देख रहे हो पाकिस्तान की तैयारियों को, एंड देन द कैप्टन बाबर एंड द बैट्समैन बाबर? देखें, बोथ दोनों की जरूरत होगी। और हमने देखा पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल खेला बाबर की परफॉर्मेंसेस के बगैर, और वर्ल्ड कप का भी फाइनल खेला बाबर की सिर्फ वो 50 न्यूजीलैंड के खिलाफ आई थी सेमीफाइनल। सेमीफाइनल में। तो बाकी दोनों बड़े टूर्नामेंट थे, दोनों ही बेकार गए। तो पाकिस्तान, जैसे आपने बोला, बाबर द बैट्समैन और द कैप्टन, कैप्टन भी और बैट्समैन भी, और दोनों में परफॉर्मेंसेस चाहिए होंगी बाबर आजम से, तो फिर ही जाके पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। और जब आप अच्छा विद द बैट परफॉर्म करते हैं तो आपके डिसीजन मेकिंग में भी वो कॉन्फिडेंस झलकता है और आप अच्छे फैसले करते हैं। आप चूंकि एशिया कप बहुत अच्छा नहीं गया था, तो कहीं ना कहीं देखें 58 पे 5 आउट, डाउन एंड आउट श्रीलंका, वहां से खैर बॉलिंग भी कुछ अच्छी नहीं हुई, कुछ फैसले भी तो करते कराते 170 बोर्ड पे लग गया। फिर जब आपके अच्छे दिन नहीं चल रहे होते तो लेग साइड पे आपने देखा कि 1 मीटर कैच इधर या इधर जाता गेंद, तो वो निकल सकता था चौका, आउट हो गए बाबर। तो परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी बल्ले से हो तो वो आपके डिसीजन मेकिंग में भी झलकेगी। तो दोनों बैट्समैन भी और एज ए कैप्टन भी अच्छा ही हो बाबर आजम, तो फिर ही पाकिस्तान की टीम अच्छा करेगी। ओवरऑल आपने जो बात की, तो ओडीआईज में देखें टॉप 3 बहुत ही बेहतरीन और शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं पाकिस्तान के। 50 के एवरेज है, बाबर की तो 60 को छू रही है। और फखर और इमाम वो काफी इस्टेब्लिश्ड हैं। फखर को तो आपको मालूम है कि पिछले काफी अरसे से, और जैसे ही उसका वो डेब्यू हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में, उसके बाद वो मोस्ट इंटेग्रल पार्ट है टीम का। और T20 में कभी इन एंड आउट हुआ, लेकिन ODI में वो मुसलसल परफॉर्म कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह इमाम की बात करें, ही इज एक्सीलेंट। 50 के करीब एवरेज है, थोड़ा सा स्ट्राइक रेट का मसला होता था, 80 के 75 80 के पास खेलता था, लेकिन अब रिसेंट टाइम्स में थोड़ा वो भी बेहतर कर रहा है। इतने कम मैचेस हैं, 100 की परसेंटेज देखें उसकी, बहुत अच्छी कन्वर्शन रेट है उसका भी। और तीनों टॉप पे एट द मोमेंट आप देखें वर्ल्ड रैंकिंग में, तो टॉप 5 में तीनों ही मौजूद हैं। तो इन पे बहुत भरोसा है पाकिस्तान की टीम को, और बहुत डिपेंड करती है। लाइक देयर वाज अ टाइम श्रीलंका की टीम बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही थी संगाकारा पे, महिला जाबर्दीना पे, दिलशान पे, तो मोर और लेस उसी तरह की। या इंडिया की बात करें, शिखर धवन पे, रोहित पे और कोहली पे बहुत रिसेंट पास्ट में डिपेंड करती थी टीम इंडिया, तो उसी तरह की सूरत हाल पाकिस्तान की भी होती जा रही है। इन पे बहुत डिपेंड करती है, और इन तीनों का चलना बहुत जरूरी है। मिडल ऑर्डर में अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है पाकिस्तान का, ODI की फॉर्मेट की, जाहिर है कि हम बात कर रहे हैं एशिया कप भी ODI में होगा, वर्ल्ड कप भी ODI का है, तो मिडल ऑर्डर वर्क इन प्रोग्रेस है। आई वॉज रियली सरप्राइज कि इन्होंने इफ्तिखार को क्यों एकदम से साइडलाइन कर दिया है। आगा सलमान को बीच में चांसेस दे रहे थे, अच्छी बात है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन इन्होंने जो इफ्तिखार को साइडलाइन किया, वो बात मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी, बट सैनिटी प्रिवेल्ड एंड दे हैव गिवन हिम अ चांस। अभी उसने अच्छा परफॉर्म किया, उसमें भी मेरे ख्याल में मिडल ऑर्डर में उसको चांसेस देने चाहिए और वो स्टेबिलिटी लेके आएगा। रिजवान ही वाज नॉट डूइंग सो वेल इन ODI फॉर्मेट, लेकिन अच्छा है कि वो भी अब पिछले 8-10 मैचेस में ही इज डूइंग वेल। तो बीच में अगर आगा सलमान भी आएगा, उसकी भी जगह बन सकती है।
तो करते कराते ये अच्छा मिडिल ऑर्डर बन जाएगा। ये इफ्तिखार हो गया बीच में, रिजवान अगर बीच में खेलेगा, अगर सलमान हमने देखा वो भी स्पिनर्स के खिलाफ अच्छी बैटिंग कर लेता है, और ये दोनों फिर अगर पाकिस्तान चाहे तो इन दोनों में से वो 10 ओवर भी निकलवा सकता है, 5 5 ओवर, 4 ओवर, 6 ओवर, दोनों मिल मिला के। और पास में पाकिस्तान करता रहे, आपको तो जाहिर के मालूम है 2011 में हफीज ये काम करता रहा, जाहिर है अफरीदी भी ऑलराउंडर की कैटेगरी में आता था, हफीज अब पूरे 8 10 ओवर निकालता। तो शोएब मलिक को आपने देखा है? शोएब मलिक को तो खैर इन्होंने ब्लंडर किया 2011 में, लेके नहीं गए वर्ल्ड कप। नहीं, मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, ओवरऑल बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास ऐसे खिलाड़ी रहे जो शाहिद अफरीदी हो गए, शोएब मलिक हो गए, मोहम्मद हफीज हो गए, आपके पास लगातार ऐसे क्रिकेटर्स रहे। हाँ बिल्कुल, तो ये जरूरी है कि इस तरह के बैट्समैन बीच में आए, अच्छी बैटिंग भी करें और ओवर भी निकाल के दे। बाकी फास्ट बॉलर्स जो हैं वो आपको जो पता है 4 5 नाम वही मोस्ट लाइकली खेलेंगे, शाहीन है, हारिस रऊफ है, साथ में नसीम अच्छी बॉलिंग कर रहा है, नसीम इज गुड, हसनैन को बीच में वो भी उसी लूप में है, नए बॉलर वो एहसानुल्लाह वगैरह आए हैं, लेट्स सी उनको मौका मिलता है कि नहीं, आई डोंट नो अगर हसन अली फिट होता है कि नहीं होता। तो बॉलर्स वो है, स्पिनर्स में ऑफ स्पिन जादूगर किस्म का बॉलर सईद अजमल टाइप का वो अरसा दराज हुआ हमारे पास नहीं है, तो इन्हीं से गुजारा चलाना पड़ेगा, ये आगा सलमान और इफ्तिखार वगैरह से, और मेरे ख्याल में शादाब मीर हमजा भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, तो यही मोर और लेस यही टीम बनेगी पाकिस्तान की। तो बहुत ज़्यादा वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, थोड़ा सा मिडल ऑर्डर में ये बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वहाँ पर आप इनको ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए, और जो इनके दिलो दिमाग में है यही लोग हैं जो मैंने नाम लिया, इनको प्रॉपर अब चांसेस देने चाहिए, एशिया कप में भी वही टीम खेले और उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि जी आपकी जगह पक्की है, वर्ल्ड कप भी आप ही खेलेंगे, आप उसी माइंडसेट के साथ खेलें। तो दिस इज द वे फॉरवर्ड आई बिलीव। ओडीआई की टीम अच्छी है पाकिस्तान की, मुझे उम्मीद है, बाकी तो देखें तब जब स्क्वाड अनाउंस होगा और कौन इंजर्ड, अगर अनफॉर्चुनेटली कोई इंजर्ड नहीं होता, अगर सारी टीमें जो मैंने नाम लिए इसके ये खिलाड़ी मौजूद होते हैं, आई गॉट द फीलिंग दैट पाकिस्तान मोस्ट लाइकली सेमीफाइनल पे तो फिनिश करेगा। आगे आई तो जो होता है वही वही मैं पूछना चाह रहा था आपसे, यहाँ पर भी हम लोग जितना पाकिस्तान की क्रिकेट को देखते हैं या पाकिस्तान की क्रिकेट को जो लोग फॉलो करते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान को बहुत हैवी रेट किया जा रहा है, हैवीली रेट किया जा रहा है, मतलब टॉप फोर तो ऑब्वियसली हर कोई कह ही रहा है, लेकिन ये जो एक एक अब इससे जो अलग एक मेरा इससे ही जुड़ा सवाल है कि अब जब इंडिया के अगेंस्ट मैच हो रहे हैं, पहले आपको भी पता है, आई एम नॉट टॉकिंग एज एन इंडियन हेयर, मैं जस्ट एक क्रिकेट देखने वाले आम आदमी की तरह कह रहा हूँ कि जब पाकिस्तान की टीम अगेंस्ट इंडिया आती थी तो थोड़ा ऐसा लगता था कि पाकिस्तान की टीम नर्वस है। मैं ऑब्वियसली 80s 90s में जाएंगे तो आप ये बात वाइस वर्सा कह सकते हैं कि तब इंडिया की टीम पाकिस्तान के अगेंस्ट ऐसा लगती थी कि भाई इंडिया वो कुछ ना कुछ है, पाकिस्तान की क्लास चाहे आगे हो आपसे, पाकिस्तान के गेंदबाज, पाकिस्तान के बैटर्स आपसे बेहतर हों। फिर एक 90s के बाद का दौर आया, अर्ली 2000s 2010s, जब हमें ऐसा लगा कि हमारे पास शायद स्किल बेटर है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर ये भी लगता था कि शायद थोड़ा सा कहीं ये गेम इक्वली नहीं चल पा।